अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिराज और आप देख रहे हैं फिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। एक खबर यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से 3 नए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कोरोना के खिलाफ, तो उसके बारे में बताऊंगा। और एक भाई का कमेंट है कि हम सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं तो हमको क्या क्या करना होगा, उसके बारे में बताऊँगा। और जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं, सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या करें सऊदी अरब आने के लिए। एक तवक्कलना का नया अपडेट आया है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 3 कानून बनाए गए हैं, तो उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो कानून का वो उल्लंघन करेगा। तो कौन से कानून हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, अगर आप कहीं जाते हैं तो अगर मॉल के अंदर चले जाते हैं तो वो कोरोना के खिलाफ आप उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा इसमें यह बताया गया है, जैसे कि मॉल की कैपेसिटी जो होती है 100 आदमी की, 200 की, अगर उससे ज़्यादा जो पाए जाते हैं कोरोना के खिलाफ उल्लंघन होगा। और जो अंदर में हैं और जो कोरोना के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस है और जो चीज़ उसमें बताए गए हैं, अगर उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं तो आप भी कोरोना वायरस के खिलाफ उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं मॉल के अंदर तो मॉल को लगभग सील कर दिया जाएगा, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर आप लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि आप लोगों को अगर कहीं आना जाना हुआ या आप बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल जाना हुआ, तो यही चीज़ पहले चेक किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में है तो लगवा लें जल्द से जल्द। दूसरा यह है कि तवक्कलना ऐप में एक नया अपडेट आया है। जब आप तवक्कलना ऐप खोलेंगे तो वहाँ लिखा है डैशबोर्ड, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे तो ऊपर लिखा है इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड। अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो जहाँ जहाँ जब गए होंगे वो सब चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। एक भाई का जो कमेंट था कि हम सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं तो हमको क्या क्या करना होगा, भाई सबसे पहले तो आपको जो छुट्टी होगा वो सब चीज़ करना होगा, उसके बाद आपको PCR टेस्ट चाहिए, और अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जाने से पहले। वो कैसे भरना है, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ईयर सुविधा, तो आपको सब चीज़ वहाँ मिल जाएगा, आपको कैसे क्या क्या चीज़ है आपके पास है तो वहाँ पे आपको भरना है। आपको इंडिया का नंबर भी देना है एक, तो आप जो जो चीज़ वहाँ बताया जाएगा वो चीज़ आप फिल करेंगे, उसके बाद उसको डन कर देंगे। जब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको हो सकता है जब जैसे कि आप एयरपोर्ट JC एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको ज़्यादा लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भरना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप नहीं भरेंगे तो आपको जो जहां से टिकट लेंगे तो वो खुद बताएगा, वो खुद भरेगा, ये भरना भी ज़रूरी है तभी आप जा पाएंगे। और जो ये जा रहे हैं भाई साहब, उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वैक्सीन दोनों डोज लगवा ली है तो आप अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है आप उसको प्रिंट करवा लीजिए, किसी भी बुक स्टोर में जाकर वहाँ से आप प्रिंट करवा लीजिए, उसकी दो दो कॉपियाँ कर लीजिए, दो दो चार, जो आपके हिसाब से 2 से 4 कॉपियाँ अपने साथ रखिए, तो वो चीज़ आप करके जाइए तो अच्छा रहेगा। और जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, तो वो लोग अगर आ रहे हैं तो उनको उनके पास तो जो वैक्सीन की सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब मोबाइल किसी किसी का काम नहीं करता है तो बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए बहुत देख रहे हैं और टाइम लग रहा है। अगर टाइम से आपको बचना है तो उनकी सर्टिफिकेट जो वैक्सीन की है उसकी कॉपी होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सऊदी अरब से आने से पहले आपको अराइवल रजिस्टर करना होगा, वो आप सबको मालूम है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैंने कई वीडियो में बताया भी हूँ, तो आप लोग जाके कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ईजी भी है, तो वो चीज़ करना होगा। और आप लोग वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर ले आए, और जो सऊदी मिनिस्ट्री का एक फार्मा है
डिस्क्लेमर करके आप जब किसी भी ब्राउज़र पर जाएंगे तो लिखेंगे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिस्क्लेमर, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसकी प्रिंट निकाल के उसको भर लीजिए। तो आप सऊदी अरब जब आएंगे तो आपको आसानी होगी। उसमें क्या क्या भरना है, उसमें सब लिखा है, तो वही चीज़ आपको डालना है। तो जब आप वो सब भर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बस आखिरी में जानते हैं कोरोना केस सऊदी अरब में आज कितने हैं, कौन सी सिटी में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज सऊदी अरब में जो टोटल केस आए हुए हैं 138, और उसमें से जो ठीक हुए हैं वो हैं 211, 7 लोगों की मौत हो गई है। और सऊदी अरब में जो सबसे ज़्यादा केस आए हुए हैं रियाद में 43, मक्का में 35, ईस्टर्न में 14, मदीना में 10, जेजान में भी 10, नसीर में 9, अलकसीम में 7, नजरान में 5, ताबूक में 4, हाइल में 4, नॉर्थन बॉर्डर पर 3, अलजोफ में 2 और अलबहा में 2। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 545,123। और जो सऊदी अरब में टोटल ठीक हुए हैं केस वो है 533,843। और जो टोटल मौत हो गई है वो है 8,572। और जो टोटल सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाई गई है वो है 3,77,40,661। और सऊदी अरब में जो एक्टिव केस हैं वो है 2,708। और जो उसमें से गंभीर हालात में हैं वो है 750। तो ये था कोरोना केस कि सऊदी अरब में टोटल केस कितने हैं और कौन से सिटी में आए हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।